बिल्कुल। और ये ऐसा भी लगता है क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है, जो खरीदारी होती है, वो पंजाब में ज्यादा होती होगी, हमारे भी जो राज्य के धान है। तो आई थिंक एमएसपी या उन चीजों को बात करना, वो उनके उनके लिए ज्यादा फायदेमंद बात है, डायरेक्टली फार्मर को ना दिखता हो, ऐसा भी आपको लगता है? खूब लगता है, खूब लगता है। अगर आप जैसे बिहार जैसे राज्य को ले, जो धान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है, और अब अभी मैं 4 दिन पहले गुजर रहा था, जैसे ही बंगाल बॉर्डर से सिलीगुड़ी साइड से बिहार घुसा था, तो मैं बता दूं आपको कि ठीक ठाक एक 5-6 हजार हेक्टेयर में मैंने गरमा धान की खेती देखी है, जो अभी बहुत ही ट्रांसप्लांटिंग स्टेज में है। लोगों ने नर्सरी किया, ट्रांसप्लांटेशन किया। तो बिहार में एपीएमसी बहुत पहले से डेमोलिश है। बिहार में जो बिल्कुल पैक्स की खरीद है, वो जो है उनको पैक्स को, वो नेचुरली इतना कम होता है जितना उस एरिया का ग्रोइंग कैपेबिलिटी होती है। जैसे मैं एक पंचायत का अगर जिक्र करूं, अगर एक पंचायत का इलाका जो उगाने की कैपेसिटी है वो 2000 टन हो, तो पैक्स को टारगेट ही 1000 टन का होता है। अगर उसका इलाका 25,000 टन हो, तो पैक्स का टारगेट 10,000 टन का होता है। उसके बाद रैयत और गैरैयत पे एक अलग कहानी चलती है, बट ओवरऑल वो जो धान उठता है वो बिल्कुल वहीं आसपास का रहता है। ऐसा कहीं बिहार में नहीं देखा गया है कि औरंगाबाद में धान किशनगंज से लाया जा रहा है, और किशनगंज में धान औरंगाबाद या बक्सर से ले जाया जा रहा है। तो ये धान निकलते तो हैं अलग राज्यों में, ये छत्तीसगढ़ जाता है, ये पंजाब जाता है, ये ईस्ट गोदावरी जाता है, आंध्र तेलंगाना भी जाता है। अब सबके अपने अपने, इस गोदावरी का हित क्या है भाई, कि अगर राइस एक्सपोर्ट होना है तो विशाखापट्टनम सबसे सूटेबल पोर्ट है राइस एक्सपोर्ट के लिए। तो वो धान ले जाते हैं, और जब भी एक्सपोर्ट का उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां से निकाल देते हैं। वहां के राइस मिल इसलिए भी वायबल माने गए हैं कि आंध्रा में, तमिलनाडु में तीनों सीजन का धान होता है, तो राइस मिल को भी अपना सूटेबल होता है रॉ मटेरियल लेना। यहां से गया वो भी उनके लिए एडिशनल बन जाता है। छत्तीसगढ़ कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है एंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, ये बहुत शुरू से ही अच्छी मानी गई है। सरकारें जिनकी भी रहे, जब से 10-15 साल पहले पर्टिकुलर सीएम साहब ने उसको रेवोल्यूशन किया था, तो उसको बहुत, और कई ऐसे नए सीएम भी देखे गए हैं जो वहां जाके और सीखते हैं कि क्या किया है आपने। तो ऑलवेज वहां पे बोनस रहता है, ऑलवेज बोनस एक बढ़िया रहता है। और मेरी बात वहां के एक बड़े पुलिस अधिकारी महोदय से हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम लोग तो बंदोबस्त करते हैं कि दूसरे राज्य की गाड़ी ना आए, क्योंकि वो अच्छा जो बोनस सपोर्ट है वो किसानों के लिए, वो आपको ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट नहीं है, वो बिचौलियापंती करने के लिए सपोर्ट नहीं है। तो उनका वो फायदा होता है। अब जो पंजाब में मेरी समझ में ये होता है, जो मैंने आपको बोला कि आपने अपना जो लॉन्ग ग्रेन बासमती है वो बेच दिया, चूंकि एफसीआई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आपके फेवर में रही शुरू से, आपके सर्टेन एकर्स जमीन है, और उस जमीन के लिए आप लायबल हैं मंसूरी धान बेचने के लिए। अब हमारे यहां से उठा, पहले क्या था बिहार में, मैं बता दूं, मैं इसको दावे से कह रहा हूं और कई प्रोग्राम्स में मैंने कहा है, तो वैसे ही आरा, बक्सर, भभुआ एंड सासाराम, इन सब जगह से बहुत बल्क में धान इधर इधर निकलता है, इधर उधर निकलता है, वो रैक से निकले चाहे ट्रक से निकले। तो ये एक उनको मेजर फायदा होता था, पिछले साल तक होता था। इस बार तो धान ने शुरू ही किया 1950 से, शुरुआत के धान जिनके 21-22% मॉइस्चर हैं, उनके धान बिकने शुरू हुए कल्याण से 1950 के, और आज का जो कंडीशन है 21.5-22 रुपए किलो, 21.5 से लेके 22.25 रुपए का रेट मिल रहा है किसानों को कैश बेसिस पे। एमएसपी है 2189 वगैरह। तो नेचुरली जो उन किसानों के अकाउंट्स के नाम पे चीजें ट्रेड होती थी, और ले जाने वाले लोग फायदा कमाते थे सिर्फ ले जाके उनको देने का, हो गया नील बट्टा सन्नाटा। तो मैं समझता हूँ कि परेशानी यही है कि वो इस साल एकदम से धरे के धरे रह गए, और विरोध जता रहे हैं कि भाई हम किसानों के लिए कुछ करो, हम किसानों के लिए कुछ करो। नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ बिहार के कृषि रत्न माननीय अभिषेक सर हमारे साथ जुड़े हैं, और आज का जो विषय है वो जो किसान आंदोलन हुआ
दिल्ली में, वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों दिखते हैं, इन सभी विषयों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक सर हमारे कृषि उत्थान थैंक प्लान। यू सो मच रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो दर्शक किसानी से दूर भी हैं वो भी इस चीज को समझे, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे एमएसपी है, मंडी क्या होता है, ईनाम क्या होता है, एपीएमसी क्या होता है, इन सारे शब्दों को अगर आप पहले समझा देंगे तो बेहतर होगा। जी देखिए, एमएसपी भारत सरकार द्वारा एक दिया गया सपोर्ट है, और वो सपोर्ट सारे कॉमोडिटी पे लागू नहीं होता है। एक स्पेसिफिक कॉमोडिटी है खरीफ रबी, और पहले क्या था, एक कमेटी बैठती थी, एक एमएसपी तय होता था, लेकिन जब से स्वामीनाथन साहब ने अपनी सिफारिशें दी और उन्होंने ये सिफारिश में कहा कि जो लागत है, लागत के बाद 50% उन्हें मिलना चाहिए फायदा, तो लागत को जोड़ने के भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, कहीं नहरी इलाकों से पानी मिल जाता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, कई राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कई राज्यों में बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं, कई जगहों पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है तो वहां पे लोग कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं डीजल से भी चल रहा है। तो ओवरऑल एक ब्रॉड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे डेटा कलेक्ट करती है कमिटी और उसको बता देती है कि ये लागत है और इतना इसका प्रॉफिट जोड़ के ये आता है, और उसको टाइम टू टाइम बोनस के रूप में भी कंपनसेट किया जाता है। कभी अगर क्लैमिटी आ गई या कभी ऐसा चीज निकल के आ रहा है जिससे लगता है कि जो खाद्य सुरक्षा है हमारी या जो हमारा टारगेट है ग्रेन प्रोडक्शन का वो नहीं मीट हो रहा है, तो उसमें बोनस डिक्लेयर होता है। ये एमएसपी है। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी का बहुत एक लीमैन थॉट में हम लोग बात करें तो एक मंडी है, एक मंडी है जहां पे आपके गाड़ियों की एंट्री होती है प्रॉपर, आपके गाड़ियों के लिए जो चुंगी है वो चुंगी का वहां प्रोविजन होता है, आपका जो ग्रेन गया और उसे गाड़ी पे रख के कई बार गाड़ी से अनलोड करके बोली लगाई जाती है, ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में चीजें फेवरेबल भी होती है, उस ऑक्शन में चीजें निगेटिव भी होती है। कई दफा ऐसी खबरें आई हैं कि हरियाणा पंजाब की मंडियों में धान आए थे, गेहूं आए थे, बारिश ने करवट बदला और पूरा का पूरा अनाज खराब हो गया। ये एपीएमसी जो बात होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है किसानों का, मैं मानता हूं कि सारे किसान पीक आवर में उसका फायदा नहीं ले पाते। कुछ किसान शेड के अंदर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कुछ किसान अनलोड कर लेते हैं, कुछ बायर्स हैं उनका सिंडिकेट, इसको मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कुछ बायर्स के सिंडिकेट हैं जो शेड के अंदर रहेंगे, कुछ हैं जो अपना बाहर रहेंगे। इसका नमूना आपको मध्य प्रदेश में भी मिलता है, इसका नमूना आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है। आप अगर नासिक मंडी, लासनगांव मंडी में जाइए तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्याज सेट के अंदर ही है, बहुत सारे आपको अनियन मिलेंगे जो सेट के बाहर खड़े हैं। तो ये एपीएमसी हो गया। इनाम क्या था कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसमें सारे मंडी को लिंक कर दिया गया था, डिजिटली लिंक कर दिया गया था। उसमें कुछ राज्यों ने कहा था कि नहीं, हम इसको नहीं अपने यहाँ लागू करेंगे। बाद में सरकार ने यह भी सुविधा दी थी कि आप अपने यहां से दूसरे राज्य के मंडी को भी लिंक कर सकते हैं। उसका फायदा कभी कभी क्या होता है, मैं इसको समझाऊं, चूंकि हम दोनों अभी झारखंड में बैठे हैं, और फायदा ये होता है कि स्पेसिफिक हजारीबाग बेल्ट में कभी कभी टमाटर का आवाक जो है बहुत ज्यादा होता है। इनाम का फायदा ये है कि कई दफा आपके एक शहर से दूसरे शहर में प्राइस और जो सप्लाई है उसको लेके गैप क्रिएट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे कहा था कि हजारीबाग है, वहां पे एक सर्टेन टाइम में बहुत सारा टमाटर आता है प्रोडक्शन में, टमाटर आता है नेचुरली, उसको लॉजिस्टिक करने के लिए हो सकता है कि उतनी गाड़ियां नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि इन गाड़ियों का जो गाड़ियां वेजिटेबल को लॉजिस्टिक के स्वरूप में ले जाती हैं उनके अपने मजबूरी है, एक सर्टेन समय तक अगर वो नहीं घुसा मंडी में तो बेकार हो जाता है, फिर अनलोडिंग करने के लिए कोई नहीं बचता। कई बार मंडी में घुसने के बाद नो एंट्री बैरियर हो जाता है, सुबह जब वो घुसता है 4-5 बजे उस समय तो नो एंट्री नहीं है, जब लौटने की बारी आई तो पता चला उस शहर में अब नो एंट्री है। तो कई जगह वो गाड़ियां इजिली नहीं स्वीकार करती हैं सब्जी की चीजों को ले जाने के लिए। तो इनाम का फायदा क्या है कि वहां सप्लाई ज्यादा है, लेकिन अगर हजारीबाग का कोई ग्रोअर या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोई कोऑपरेटिव
अपने प्रोडक्ट को बंगाल के किसी मंडी में सेल करना चाहता है तो इनाम के थ्रू वो सेल कर सकता है, और लाइव प्राइसेज ऑलवेज उसमें अवेलेबल रहते हैं, ऑक्शंस के जो भी क्वांटिटी हैं अवेलेबल रहते हैं। तो इनाम का एक ठीक ठाक फायदा है जो कि अंदर एक स्टेट में भी और एक स्टेट के बियॉन्ड भी लोगों ने उठाया बहुत है। बढ़िया जो दूसरी टर्मिनोलॉजी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है एग्री इंफ्रा फंड, और एक जो जिक्र होना चाहिए वो जिक्र होना चाहिए आपका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। देखिए बहुत बार देश के कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी, और एक किसान भी कंज्यूमर है, ये कहीं नहीं है कि एक किसान अपनी आवश्यकता की सारी चीजें उगा लेता है। अगर वो खरीफ सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है तो हो सकता है कि रवि सीजन के जो उसके खाने के आइटम्स है वो उसको बाजार से लेना पड़ता है, तो उस अगर कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो रहा है तो नेचुरली किसान भी प्रोटेक्ट हो रहा है। और उस स्थिति में अगर एक्सपोर्ट करने के चीजें सरकार रोक नहीं पाती, कई बार बायलेटरल पॉलिसी, और कई बार फिर जो मैंने बोला कि शहर टू शहर प्राइस का गैप है वो कंट्री टू कंट्री है, कोई कंट्री कहती है कि मैं इस रेट में भी कंज्यूम करने को तैयार हूं, तो गवर्नमेंट एक अपने यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP लगा देता है। और एग्री इंफ्रा क्या है कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, एक फंड क्रिएट किया गया है जिसमें फार्मर्स, एंटरप्रेनर, स्टार्टअप सारे लोगों को एक मौका दिया जा रहा है 1 लाख करोड़ के एक फंड में, कि आप पोस्ट हार्वेस्ट चीजों को बना ले। पोस्ट हार्वेस्ट अगर वेजिटेबल है तो पैक हाउस बना लीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ सर्टेन राइडर्स लगाए गए हैं, नहीं तो फिर साइलोज बनाइए, वेयर हाउसेस बनाइए, अब तो उसमें रेफ्रिजरेटेड वैन को भी लाया गया है। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसको आपने कहा तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ये वर्ड्स हैं और ऐसे ही इनका सिस्टम काम करता तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट जनरली जब भी होता है तो पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा जो है बहुत अपने आप को ज्यादा एक्टिव मोड में देखा जाता है उन्हें, तो ऐसा क्यों है कि भारत के बाकी किसान नहीं जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं या दिखाई देते हैं, ऐसा क्या क्यों होता है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हरित क्रांति में मेजर ग्रेन गेहूं और धान को पकड़ा गया, और गेहूं और धान के प्रोडक्शन में ऑफकोर्स इन दो राज्यों ने लीड किया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, और खास करके 2007-08 के बाद जो हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, मैं इसमें तत्कालीन सरकार और उसके बाद की सरकार को भी जोड़ रहा हूं, कि ड्रिप पे जो सब्सिडी है बढ़ाई गई, जो पोस्ट हार्वेस्ट और भी सिस्टम्स होते हैं उसको फायदा दिया गया। आपको मैं बता दूं कि कुछ राज्यों में 90-90% पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट। तो मेरा ये कहना था कि वहां से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और ऑफकोर्स जब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया उनको लीडर मानते हैं। लेकिन अब बाकी जब मैं बात कर रहा हूं कि 7 से और पोस्ट जो गवर्नमेंट्स ने हॉर्टिकल्चर मूवमेंट को जारी रखा, और अब देखिए कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। अब जैसे आज से जस्ट 20 साल पहले ड्राइंग जैसा मॉडर्न ट्रेड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये ठीक है, हमारी बहुत पुश्तैनी टेक्नोलॉजी है, 200 साल पहले से हमारे घर की महिलाएं करती आई हैं नॉर्मल सन ड्राइंग। लेकिन अब ये क्या, एक ड्राइंग टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों ने जब जगह बनाना शुरू किया और पैकेजिंग फूड का जो ट्रेंड बदला, लोगों में वीकेंड ट्रेंड बदले, तो वो प्रोडक्ट और वो खेती करने वाले किसान भी उन किसानों से समृद्ध हो गए जो धान गेहूं की खेती करते हैं। तो मिर्च की खेती करने वाले जो किसान हैं, आंध्रा गुंटूर का जो बेल्ट है वो बहुत समृद्ध हुए। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जबरदस्त हॉर्टिकल्चर पे काम किया। मेरे कई ऐसे हॉर्टिकल्चर के दोस्त हैं जो बोलते हैं कि आप कर्नाटका में जाके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से सेम डे नहीं मिल सकते हैं, आपको प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जबरदस्त रूप से वहां पे काम हुआ। नेचुरली आप इसको देखिए कि अगर राजस्थान में गाजर की खेती में पहले तकलीफें थी, मैंने सुना है जो पहले SFSC की चेयरमैन थी दलवाई मैडम, उनको मैंने सुना है कि जब लहसुन का प्राइस 3 रुपया आ गया था तो वो दौड़ते हुए बींग एग्रीकल्चर की ब्यूरोक्रेट्स और दिल्ली आई थी, और उन्होंने कहा था कि कम से कम एक MSP दीजिए, नहीं तो लहसुन के किसान मर जाएंगे। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी प्याज के लिए भावांतर योजना लाई गई थी,
तो ये कुछ टाइमिंग योजनाएं थी, पहले लाई जाती थी। अब क्या है कि ठीक है, प्याज के किसानों को ऑफकोर्स दिक्कत है, प्याज का भी एक्सपोर्ट रुका हुआ है, प्याज के किसानों को दिक्कत है, लेकिन वो स्टोर करके खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ड्राई अनियन का भी डिमांड तेज है। नेचुरली अब जी गार्लिक को देखिए, 400 रुपए 300 रुपए मार्केट प्राइस पे है, मतलब कि जिंजर गार्लिक के जो यूनिट्स हैं ऑपरेशनल, वो शुरुआत में अपना स्टॉक ले लेते हैं और मार्केट को अपना जो खपत लेना है वो खपत लेता है। चूंकि गार्लिक बहुत ही कम यूज होने वाला आइटम है, तो इसके प्रति ना सरकार ज्यादा सोचती है ना कंज्यूमर बहुत ज्यादा सोचता है। कोई भी बहुत अगर नॉनवेज खाने वाले परिवार हैं तो हार्डली 1 या 1.5 किलो गार्लिक यूज कर पाते होंगे महीने में। तो इन सब किसानों ने अपना अपना ऑप्शन तलाशा हुआ है, और नेचुरली लीडरशिप की बात जब होती है तो इन सबके साइड से आने चाहिए थे, लेकिन इन बिल्कुल लोगों ने जो चीजें बना रखी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो सुधार लाए हो 2020-21 में उसको खत्म कर दो, आप लैंड एक्विजिशन ला के बैठे हो। मैं दावा करता हूं कि बिहार झारखंड का कोई भी किसान अपने खेत को हाईवे में जाते हुए देख के ज्यादा खुश होता है। उसके दो रीजन है, एक रीजन ये है कि जो कंपनसेशन पॉलिसी है हाईवेज के लिए वो 4 गुना रूरल एरिया में है, 2 टाइम्स अर्बन एरिया में है। दूसरा, अगर किसी का वो भाग 4-5 एकड़ है रोड पे और समहाउ 1 एकड़ रोड पे चला ही गया, तो जो बचे हुए 3 एकड़ हैं उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और प्राइस तो 10 टाइम 12 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये एक निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एकदम से बकवास तरीके का प्रोटेस्ट है। एमएसपी धान का जिस लेवल पे है उस लेवल के आसपास बाजार है। अगर एमएसपी भाई 2200 होता और बाजार 1200 होता 1400 होता तो मैं भी मानता कि ज्यादती है, क्योंकि धान उगाना बहुत आसान काम होता नहीं है। पहले बिल्कुल बिल्कुल बिचड़ा करिए, बिचड़ा से फिर ट्रांसप्लांटेशन करिए, फिर सिस्टम की मार झेलिए, बारिश अचानक आ जाना, ये करना। लेकिन अभी का जो प्राइस मार्केट प्राइस है। दूसरा, मैं इसलिए इसको ज्यादा राजनीतिक मान के चल रहा हूं कि पंजाब हरियाणा को आईसीएआर कहता है कि सिंध बेल्ट में होते हुए ये बासमती के लिए बहुत सूटेबल है, और आप बासमती उगाते हैं, ये रिकॉर्डेड है। अगर 11-21 और बाकी जो बासमती चावल हैं जो कि इंडिया के टॉप एलटी फूड्स और केआरबीएल कोहिनूर बिल्कुल फूड्स जैसे जो कंपनीज है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है तो रिकॉर्डेड है कि अब पंजाब और हरियाणा से उठाती है। दूसरा, इसको बल वहां से मिलता है कि जब पराली की समस्या बढ़ती है दिल्ली में तो उस जिस समय बढ़ती है वो बासमती कटने का समय। फिर आप किस बात से और किस एफसीआई के स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का फायदा उठाते हैं? आप बोलते हो कि हमारे यहाँ एमटीयू 70-29 और मंसूरी भी हुई, और अगर हुई भी है बाय द वे, मैं मानता हूँ चाय के इलाकों में अभी भी धान की खेती लोग करते हैं, अभी भी पाइन एप्पल न उगा के धान की खेती करते हैं, तो मैं मानता हूं किसान थोड़ा सा वर्सटाइल होते हैं। लेकिन जो मार्केट के प्राइस हैं वो एमएसपी के आसपास हैं। आपके यहाँ एमएसपी स्ट्रांग है, गेहूं के जो प्राइस हैं 2 साल से एमएसपी के ऊपर है, मक्का का जो प्राइस है एमएसपी के आसपास है, और गवर्नमेंट ने मक्का किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल में इथेनॉल पॉलिसी में एक थोड़ा बदलाव भी किया, क्योंकि वो ऐसा फील हुआ था कि गन्ने का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, शुगर का प्रोडक्शन कम हो सकता है ग्लोबली और महंगाई बढ़ सकती है, तो इथेनॉल खरीदने वाली वाइल मार्केटिंग कंपनियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो गन्ने से ब्लेंडिंग होके आ रही है, डायरेक्ट ब्लेंडिंग मोलासेस के थ्रू आ रही है, तो ठीक है उसको थोड़ा डिस्करेज करो, और मक्के का जो बना हुआ इथेनॉल है उसको 5 रुपया का एक एडिशनल सपोर्ट कर दो। तो सारे मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, ऐसा कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ भी पॉइंट छूटा हुआ है। एग्री इंफ्रा की बात हमने करी दी कि अगर आपके पास है प्रोडक्शन आप उसको प्रोसेस कर लो। रेडी करिए टू ईट फूड्स के मार्केट में एक भयानक तरह की तेजी आई है, और एमटीआर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक एक ऐसी ऐसी कंपनियों ने अपना पैर रखा हुआ मार्केट में जहां से आप पैक्ड रोटी तक आज के डेट में आप ले सकते हो। और इसमें जो ये पेंशन वाली भी बात है, इस पर आपका क्या विचार है? जो एक सामाजिक सोशलिस्ट पॉलिसी हम लोग बोलते हैं। सवाल है, मैं समझता हूं कि एक बार इन किसानों को चाय बगान में जाना चाहिए,
और उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि आज भी, मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगर गन्ना को थोड़ा सा मैं छोड़ दूं, तो चाय एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लेबर्स को अपने पास रखे हुए। बिल्कुल और मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि कई किसान किसानी को उद्योग का दर्जा, किसानी को उद्योग का दर्जा जैसी बातें करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जब उद्योग का दर्जा करते हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो मिनिमम वेजेस है वो मीट करना होता है, पीएफ ग्रेजुएटी जैसी चीजों को रखना होता है। और आप एज अ किसान, एज अ किसानी, ये सब चीजों से भी मुक्त रहते हैं। अगर आप 50 किसान भी, आपके 50 लेबर भी आपके यहाँ काम एक दिन कर रहे हैं तो आपको लोड नहीं है, जबकि उद्योग में 20 के ऊपर होते ही पीएफ मैंडेटरी है, लेबर लाइसेंस होना बिल्कुल मैंडेटरी। बिना लेबर लाइसेंस के अगर आप खटा रहे हैं और उसके जो कंप्लायंस है 10(6) और उसके अलावा संडे को छुट्टी देना, ये सब डिक्लेयर करना, अगर आप उसको नहीं मीट करते हैं तो आप पे पेनल्टी होती है। तो चाय इंडस्ट्री के साथ ये है, चाय पे जीएसटी भी है। तो अगर ये धान गेहूं वाले करेंगे हमको पेंशन दीजिए, तो उससे ज्यादा तो उनका हित रखना है भाई, क्योंकि अगर चाय का बगान है तो ये इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करता है, इरोजन प्रोटेक्ट करता है। तो एक तो टैक्स रेवेन्यू दे रहा है आपके, मेजर पब्लिक को जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, वो अगर पीएफ दे रहा है और एक मिनिमम वेजेज एक्ट का पालन कर रहा है, मंथली बेसिस पे उनको रोजगार दे रहा है। तो सरकार के कई ऐसे टेंशन जो हैं, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीएसटी कलेक्शन, सबको वो टैकल कर रहा है। तो वो हित सरकार देखेगी पहले ना, रादर देन कि आपके लिए पेंशन दे देगी। और पेंशन का क्या भाई फॉर्मूला बनेगा? पेंशन का क्यों फॉर्मूला बने? आपने अपने यहाँ के वाटर के संसाधनों का दोहन किया? कोई मुझे बताए जिस हिसाब से राजस्थान अपने यहाँ ड्रिप का यूज करता है, महाराष्ट्र अपने यहाँ ड्रिप का यूज करता है, आंध्र कर्नाटक यूज करता है, पंजाब कितना यूज करता है? उन्होंने तो बना रखा है बस, हमारे लिए बिजली फ्री कर दो, हमारे लिए फ्री कर दो। तो मैं समझता हूँ कि ये मांग भी बेसलेस है। पेंशन एक ऐसी चीज है जिसको ठीक ठाक सारी सरकारों ने विधवा के रूप में, बुढ़ापा होने पे सबके लिए सोशल सिक्योरिटी लेवल पे उसको बिल्कुल लागू किया हुआ है। और आप स्पेसिफिक किसान हैं तो ठीक है, उस पेंशन से आप लाभ लीजिए। अगर आप उस पैसे से अपने को नहीं कवर अप कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये फिर कल के डेट में सारे पेशे से जुड़े लोगों के लिए लागू होगा ना। कोई भी किसी को लगता है, जैसे मैं जस्ट एक पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन लाइन को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उस पे कोई काम करता होगा बिल्कुल वो कितना टफ काम करता है, कितना टफ एनवायरनमेंट में काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी बिल्कुल है तो ऐसा लगता है जैसे दो हिल्स के बीच में कैसे पहुंचते होंगे, कैसे। कल मैं पटना से निकल रहा था तो पता चला कि एक हाईवे बनाने वाली कंपनी के हाईवा से एक आदमी की मौत हो गई। तो वो जो ड्राइवर है वो भी तो बहुत टफ एनवायरमेंट में काम कर रहे हो। अगर ड्राइवर नहीं आपके सपोर्ट में रहते हैं, ड्राइवर आपके साथ नहीं रहते, तो ग्रेन की हालत और भी खराब हो जाएगी। तो फिर तो हर बिल्कुल एक बार कहेगा कि भाई उसे दिया तो मुझे क्यों नहीं, मुझे दिया तो उसे क्यों नहीं। तो ये भी बहुत पॉइंट्स पे नहीं है। ओके तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे कि एक्चुअल अगर समस्या अगर देखें हम किसानों की, जिसपे अगर प्रोटेस्ट करना भी हो या मांग रखनी भी हो, तो वो दो तीन चार पांच क्या समस्याएं हो सकती हैं जो सरकार तक वो आवाज जानी चाहिए। हाँ, तो वो मांग देखिए ये होना चाहिए एक कि एक्सपोर्ट जब रोकी जाती है या किसी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है उसके पहले जरूर किसानों के बीच के लोगों से वो बात हो, और बात करने का माध्यम है सरकार के पास, वो नाबार्ड है, वो एनसीसीएफ है, वो नाफेड है। और तो कुछ एब्रप्ट नहीं है, डिसीजन हाँ ना लिया जाए इस पे। तो कुछ नहीं तो राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे उनका है। तो इससे उनको ये एक कंफर्मेशन रहेगा कि भाई हम 2 महीने बाद दलहन करने वाले हैं तो नहीं लगाएंगे। किसानों के साथ ये एक पेन बहुत बड़ा है कि ये साल अगर आलू का भाव 21 हो गया तो अगले साल पूरे के पूरे लोग आलू लगा देते हैं। अगर ये पार्टिकुलरली महीने में फूलगोभी 18 रुपए बिकती है तो सब लोग फूलगोभी लगा देते हैं और फिर उसको नहीं ले पाते हैं। मतलब ये समस्या होती है कि कई बार लागत नहीं निकल पाती, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और वही एक बढ़िया जो
एक डेटा पे काम करने वाला किसान, या यूं कहें कि थोड़ा सा आजकल जो तरह तरह के ऐप हैं या तरह तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करके यूज करता है, वो पर एकड़ 1 लाख कमा लेता है। एक बेचारा ऐसा भी होता है कि पर एकड़ 20,000 गवा देता है। जैसे मैं अभी जहां पे हूँ आसपास में मल्चिंग पे तरबूज की खेती शुरू हुई है, ऐसा नजारा भी होता है कि जैसे ही रोजा स्टार्ट होगा बहुत लोग तरबूज को 24 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए एक स्पाम सेल करते हैं, और वो जब उस लेवल पे सेल करते हैं तो 60-70 दिन में वो अपने इन्वेस्टमेंट को 3-4 टाइम्स कर लेते। कुछ ऐसे होते हैं कि अभी अब जाएंगे उसको लगाने, और उन्हें दो मार पड़ती है। एक तो उस समय बारिश शुरू हुआ, ओलावृष्टि के कारण उनके पूरे फल खराब बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल दूसरा है मार्केट में एकदम मार हो जाता है, सप्लाई बहुत हाई हो जाता है और उस सिचुएशन में उनको प्राइस नहीं मिलता। तो ये जब इंपोर्ट होता है ना कोई ग्रेन, वहां भी ये तकलीफ देखी गई है कि आप उगा तो लिए और सडन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर लिया, तो ये एक ऑन टाइम कंडीशन रहना चाहिए। सिमिलरली जब आप एक्सपोर्ट को बैन करते हैं उसके पहले भी जरूर बातें होनी चाहिए कि भाई एक सर्टेन विंडोज देके उसको आप जारी रख सकते हैं। जैसे गेहूं में हुआ, गेहूं में जस्ट गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही कई देशों में अपने डेलीगेट्स भेजे रूस और यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाने के, कि ग्लोबल सप्लाई जो वीट का है इनके कारण खराब होगा और हम धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट पेंट्रेशन भी बढ़ाएं और अपने ग्रेन्स को भी बढ़ाएं। बिल्कुल लेकिन फिर अचानक हुआ कि एक्सपोर्ट बैन के बाद फिर स्टॉकिंग बैन, तो ये सारी चीजों को पहले कंसल्टेशन हो। दूसरा जो एग्री इंफ्रा फंड है उसमें प्रोसेसिंग को भी जोड़ दें तो बेहतर ही है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट और बाकी चीजों को रखा हुआ है लेकिन प्रोसेसिंग भी जोड़ दें। जैसे अगर गाजर को आप जस्ट रॉ फॉर्म में रख रहे हैं तो ठीक है, आप भी उसका मार्केट के बढ़ने के बाद फायदा उठा सकते हैं, बट जस्ट कट करके आप ब्राइन में डालते हैं वो प्रोसेसिंग हो जाता है। तो कई दफे ऐसे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं जब प्रोजेक्ट्स पर रिजेक्शंस आ रहे हैं। थर्ड, मैं समझता हूँ कि जो पीएफएमई है, माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फूड प्रोसेसिंग वाला, उसको 25 से बढ़ा के 1 करोड़ तक तो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो आटा मील, वो वाइल मील वायबल नहीं है जो 10-15 लाख तक का रोजगार कर रहे हैं। कई दफा नए ब्रांड को बहुत ज्यादा क्रेडिट का सामना करना पड़ता है और उस दौरान बिल्कुल में उसको लिक्विड कैश का तकलीफ हो जाता है। चौथा, मैं समझता हूं कि ये जो पुश दिया जा रहा है नैनो यूरिया वाला, इसको रोकना चाहिए। मतलब ये थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है और फिर से हम उसी रास्ते पे लौटे जब सरकार ही वो ऐड करती थी कि आप यूरिया का फोलियर स्प्रे करिए। वो एक बहुत बढ़िया ऐड आता था, हरियाणा नाम का एक किसान जाता था और कहता था कि नहीं हमें अब इतना ही चाहिए, और दुकानदार बोलता था कि किसानी छोड़ दी है क्या, तो बोलता था कि नहीं छोड़ी नहीं है, सीख लिया है। और पांचवा मेरा मानना है कि एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स जैसे पोर्टल्स पे जो वायदा कम्युनिटी कारोबार मार्केट है, हाँ, जी उसको किसानों तक और अवेयर करें। किसान ऑलरेडी इन चीजों पे हैं, आप गांव में जाइए, अमानत एक वर्ड है, और कई दफा ऐसा हुआ है कि धान को लोगों ने अमानत पे दे दिया और उस समय का जो प्राइस है वो प्राइस और नीचे आ गया। मार्केट में जब बिक रहा था कैश तो ज्यादा मिल रहा था, 2 महीने बाद प्राइस नीचे आ गया। तो अमानत जैसी चीजें वो फॉलो करते हैं, इसके साथ वो यूज टू हैं। आज भी हमारे इलाके कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने मार्च में पैसे लेंगे, अप्रैल में पैसे लेंगे, ऐसा करके 50-60-70 रुपीज अपीस बेचा हुआ है। तो ये अगर ऐसे पोर्टल, सॉरी, ऐसे जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसको किसानों तक और पहुंचाए, जिला लेवल पे कार्यशाला करके या फिर उनमें से कुछ एफपीओज वगैरह को थोड़ा सा थोड़ा ट्रेंड करें। एक और मैं मांग समझता हूं जो कि क्लाइमेट आधारित खेती पे है, एरोमेटिक मेडिसिनल के जो फाइनल आउटकम्स हैं उसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट बेसिस पे बढ़ाए गवर्नमेंट, और अच्छा उससे लोगों को एक टेंशन आएगा। जैसे मेंथा का मैं जिक्र करूं, मेंथा की खेती करना बड़ा मुश्किल काम है। अब जो आश्वन का काम है बहुत मुश्किल है, और आप देखिए कंसिस्टेंटली कि 4 साल से उसका जो प्राइस है पर किलो वो 900 से 1,000 या 1,000 से 1,100 बेल्ट में। तो एरोमेटिक मेडिसिनल जैसे प्लांट गए हैं वो, आपको मेंथा को छोड़ दीजिए तो बाकी जो लेमन ग्रास, फार्मा रोजा, जेरेनियम जैसे प्लांट हैं वो बहुत कम पानी लेते हैं, तो एक तो पानी भी बचा है, दूसरा अगर इमिडिएट
वेदर में चेंजेज आता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, तो भी उसके साथ वो टिक लेते हैं हाँ देख रहा हूँ मैं ऐसा। बिल्कुल। हाँ, उसके प्राइस को अगर वो बढ़ावा दे दें, और ये पॉसिबल है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे फ्लेवर या अगरबत्ती जैसे चीजों का डिमांड है, वहां पे हम अपने जो ग्लोबल प्रेजेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें तो नेचुरली प्राइस आ जाएगा। तो ये सब कुछ बुलेट्स पॉइंट है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इन मांगों पे बात हो, और बैठ के बात हो, रादर देन की रोड पे बैठ के बिल्कुल हम बिल्कुल लंगई कर रहे हैं और हम अपने को स्वघोषित लीडर कर रहे हैं, तो उसके जगह तो आप बैठ के बात। बहुत 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 धन्यवाद आज के इस आपके आशीर्वचन, और जो आपने एक वर्ल्ड व्यू दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया कि कृषि में चल क्या रहा है और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है या जो सड़कों पर दिख रहा है उसमें कितना भेद है, समस्याएं एक्चुअल में क्या हैं, कहाँ उसे समाधान की आवश्यकता है, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर आपके विचार बहुत ही सराहनीय रहे। तो आशा करते हैं कि हम लोग फिर कभी और भी किसान के मुद्दों पर कभी हमें चर्चा करनी हो तो हम लोग जुड़ेंगे। आपका बहुत ऑफ बहुत कोर्स करेंगे धन्यवाद। रवि जी, धन्यवाद आपका। जय और थोड़ा सा मैं माफी भी चाह रहा हूँ, इस बीच बाहर था, कनेक्टिविटी कारण थोड़े थोड़े कोई बात डिस्टरबेंस नहीं हुए सर, हैं, तो कोई उसको बात सॉर्ट नहीं, आउट करेंगे आगे से, और हम लोग और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया सर।